देश के चार सूबियां विच पईयां वोटां विच हुण स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान अते मध्य प्रदेश विच भाजपा दी सरकार बनेगी। भाजपा ने दिल्ली विच वी शानदार प्रदर्शन कीता है पर उन्हां नूं आम आदमी पार्टी ने चंगी टक्कर दित्ती। देश दी राजधानी विच लटकवीं सरकार बनदी दिखाई दे रही है। दिल्ली विच भाजपा 70 सीटां चों 32 ते अगे चल रही सी जदकि आम आदमी पार्टी 29 सीटां ते अगे है। कांग्रेस नूं नमोशी दा सामना करना पिया है, उन्हां नूं सिर्फ 8 सीटां मिलन दा अनुमान है। कांग्रेस दी दिल्ली विच मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आप हारदे हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दे अरविंद केजरीवाल ने वड्डी लीड बना के अगे चल रहे हैं अते उन्हां दी जित यकीनी है। उधर मध्य प्रदेश विच भाजपा ने शिवराज चौहान की अगवाई हेठ हैट्रिक बना ली है। मध्य प्रदेश दीआं 230 सीटां विचों भाजपा ने 156 सीटां ते लीड बनाई हुई है। उधर कांग्रेस 64 सीटां ते अगे चल रही है। राजस्थान विच कांग्रेस नूं झटका लग्या है। अशोक गहलोत की अगवाई विच कांग्रेस हारदी नज़र आ रही है। भाजपा ने 199 सीटां चों 152 सीटां ते बढ़त बनाई हुई है। छत्तीसगढ़ विच कांटे की टक्कर है। उधर भाजपा 47 सीटां ते अगे चल रही है जबकि कांग्रेस के 43 उम्मीदवार नालों नाल चल रहे हैं। भाजपा के शानदार प्रदर्शन बारे पार्टी आगुआ का की कहना है, आओ सुनते हैं। अभी मेरे सब साथी गए काउंटिंग पर और मैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए जाऊंगा। नो, आई हैव डन द रूटीन जनरल थिंग दैट आई डू एवरी डे ऑल द 365 डेज दैट आई हैव बीन टू। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को भी, जो उन्होंने 15 वर्ष तक लगातार दिल्ली की जनता की सेवा की, उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। सर कुछ सीटें कम है, बस अब हो गया, अब इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, अब हो गया जो मैंने बोला। इन चारों राज्यों के चुनाव के रुझान इस बात की और स्पष्ट संकेत करते हैं कि देश की जनता ने वोट की चोट कांग्रेस के कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार के ऊपर मारने का काम किया है। इन चुनाव के परिणाम से यह स्पष्ट होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना महात्मा गांधी जी ने लिया था, नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, उसकी तरफ जनता ने अपने कदम बढ़ाए हैं। लोकसभा चुनाव आते आते ये देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखना होगा कि आप चाहे उभर कर आई है तो कांग्रेस भी अब अदर्स में रिड्यूस हो गई है, अदर्स में आ गई है और कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है वो आपकी तरफ गया है और हमें भी विचारने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ से जो अगर कुछ खामियाजा आया तो क्यों आया और किसकी वजह से आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसको भी देखना होगा। भारत की जनता ने अगर ये चार प्रदेशों के चुनाव को एक सैंपल मान लिया जाए, और बहुत बड़ा सैंपल है, ये कांग्रेस से छुटकारा पाने का निर्णय कर लिया है। हम किसी को वोट दे देंगे पर कांग्रेस को नहीं देंगे। और दिल्ली के संदर्भ में देखें, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना जो जनाधार था उसको न केवल बनाए रखा बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी की। आप तो इतनी स्थान पे पहुंच गई और कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।